पीएम मोदी के राजस्थान दौरे के बाद पूरे राज्य में और खास तौर से बीजेपी में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब करीब करीब मिल गए हैं। ये जवाब ही खूब राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहे हैं। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है, मैं हूं इलवान खान। जयपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा ने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई सभा ने एकदम साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा पीएम मोदी का ही होगा। अपनी सभा में पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में चुनाव के दौरान बीजेपी किन मुद्दों पर अपनी रणनीति बनाएगी। राजस्थान में बीजेपी में सीएम फेस को लेकर पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई है। पीएम मोदी की सभा से यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि चुनाव से पहले प्रदेश का कोई भी नेता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से प्रदेश के किसी एक नेता को अहमियत देने की जगह सभी को मिलकर चुनाव प्रचार में जुटने की अपील की गई है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 3 बार खुद का जिक्र करते हुए कहा है कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने गारंटी देते हुए नारा दिया कि मोदी का मतलब गारंटी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी गारंटी में दम है, क्योंकि वो हवा हवाई बातें नहीं करते, चाहे तो उनके 9 साल के कामकाज को देखा जा सकता है। याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी, पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी के इस बयान से ये साफ हो चुका है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का चेहरा वो खुद ही होंगे, उनके अलावा कोई दूसरा फेस चुनाव में नहीं होगा। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश की गहलोत सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कांग्रेस सरकार के अब तक के कामकाज को 0 नंबर दिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दे भी बता दिए। उन्होंने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, लाल डायरी जैसे कई मसलों पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब तक किसी का नाम बतौर सीएम के फेस के तौर पर आगे नहीं बढ़ाया था। बीजेपी के तमाम नेताओं समेत कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर क्या इशारा करते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण के आखिर में बोल दिया है कि बीजेपी की शान और पहचान सिर्फ कमल का फूल है। बूथ बूथ पर जाकर सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमल का फूल खिलाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा बोलकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी में पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और कमल के फूल को ही जिताना है। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।